नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो उपस्थित हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश का अलर्ट, जाने 6 दिनों का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने के आसार हैं। राज्य के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 26 व 27 सितंबर को बारिश होने का पूर्वानुमान है। 26 सितंबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर 29 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। इसके अलावा 30 सितंबर से मौसम फिर साफ रहने के आसार हैं। उधर राज्य में जगह जगह भूस्खलन से आज सुबह 10 बजे तक 23 सड़कें आवाजाही के लिए बाधित रही। इसके अलावा एक पुल व 9 ट्रांसफार्मर भी ठप रहे। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर बोले, कंगना को इतिहास पढ़ने की जरूरत, बिना मतलब की करती बातें। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कंगना को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है और बिना मतलब की बातें करती हैं, बयानों की अब कोई कदर नहीं रही है, इसलिए अब उनके बयानों के प्रति गंभीरता न दिखाई जाए। कंगना को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है और बिना मतलब की बातें करती हैं। उन्हें पहले देश और प्रदेश के इतिहास को सही ढंग से जानने की जरूरत है। पंडोह क्षेत्र के ड्योढ़ गाँव पहुंचे कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में ही नहीं आता। कंगना को पहले अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री के तरफ देखना चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि वो प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं। आपदा केस में उन्होंने प्रदेश को कोई आर्थिक मदद नहीं की। कौल सिंह ने कहा कि पूर्णचंद ठाकुर उनका ही चेला है और राजनीति में उन्हें वही लेकर आए थे। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने पूर्णचंद को जिलाध्यक्ष बनाया था। विधायक जरूर बने हैं लेकिन अनुभव की कमी है। उन्होंने काम करने से कोई नहीं रोक रहा। एक विधायक को 2.5 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए मिलती है। सोशल मीडिया पर उकसाने वाले 35 लोगों की पहचान, साइबर सेल की टीम कर रही जांच। संजोली मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के बाद सोशल मीडिया पर उकसाने वाले 35 लोगों की पुलिस ने पहचान की है। पुलिस के मुताबिक ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर लोगों को विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए साइबर सेल की टीम ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इन लोगों के खिलाफ पुलिस जल्द FIR करेगी। वहीं संजोली में 11 सितंबर को हुए प्रदर्शन के मामले की जाँच में पुलिस अभी तक 8 FIR दर्ज कर चुकी है। इसमें धारा 163 को तोड़ने के अलावा पुलिस पर पत्थरबाजी करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य मामले शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन से पहले संजोली में 2 जगह बैठकें हुई थी। इनमें प्रदर्शन को लेकर पूरी योजना बनाई गई थी। होटल में हुई बैठक की CCTV फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पुलिस प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी करने वाले 70 लोगों की पहचान कर चुकी है और इनकी जल्द गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान लोहे की रोडें, छैनी और हथौड़े भी बरामद किए गए हैं। CT स्कैन की रिपोर्ट गलत देने पर जांच के आदेश जारी, लैब संचालकों को कारण बताओ नोटिस। दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU जोनल अस्पताल में CT स्कैन की रिपोर्ट गलत देने का मामला गरमा गया है। शिकायत के बाद विधायक ने इस मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं। मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और शहरी विधायक हरीश जनारथा के पास भी पहुंच गई थी। इसके बाद ही मामले की जाँच के आदेश जारी हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने लैब संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं DDU अस्पताल में 67 साल की महिला गले में दर्द की शिकायत के बाद उपचार करवाने अस्पताल आई थी। जाँच के बाद चिकित्सकों ने महिला मरीज को CT स्कैन करवाने की सलाह दी। महिला का जब CT स्कैन हुआ तो इसकी रिपोर्ट गलत दे दी। रिपोर्ट में महिला को वोकल कॉर्ड में दिक्कत बताई थी लेकिन जब दूसरी जगह टेस्ट करवाया तो वो नॉर्मल निकली। बुजुर्ग महिला के बेटे ने इसकी शिकायत शहरी विधायक हरीश जनारथा को की है। रोगी कल्याण समिति के सदस्य और महिला के बेटे नितिन सोहल ने बताया कि वो मंगलवार को बैठक के लिए सचिवालय में गए थे। इस दौरान विधायक के समक्ष यह मामला उठाया है। वहीं कड़ी कार्रवाई अमल में लाने को कहा है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, उद्योगों के पीछे क्यों पड़ी है सरकार, मुख्यमंत्री साफ करें अपनी मंशा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के पीछे क्यों पड़ी है, मुख्यमंत्री को इसको लेकर अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही उद्योगों पर दबाव बनाकर सरकार का संदेश देना चाहती है। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को टारगेट करने के अलावा उद्योगपतियों को डरा धमका रही है। कहा कि क्या सरकार की तरफ से उद्योगों पर दबाव डालना किसी तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना तो नहीं है। आज सरकार ने उद्योगों को स्थिति में ला दिया है कि वो शटडाउन करके अपना विरोध दर्ज करवाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि सत्ता में आते ही प्रदेश की आर्थिक में सहयोग और रोजगार देने वाले उद्योग धंधे सरकार का पहला निशाना बने। सबसे पहले सरकार समर्थित माफियों ने उद्योग को डराना धमकाना शुरू किया। इसके बाद उद्योग जगत की तरफ से उद्योग मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की गई, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। सुरक्षा न दिए जाने पर उद्योगों ने प्लान करने का अल्टीमेटम भी दिया। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते से आधार नंबर जोड़ने के लिए मिली 3 महीने की मोहलत। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर 11,024 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षण निदेशालय से राशि जारी करवाने के लिए आधार नंबर को बैंक खातों से जुड़वाने के लिए अंतिम मौका देते हुए 3 माह की मोहलत दी है। प्री और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 2022-23 और 23-24 की राशि रोकी गई है। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजे गए हैं। उच्च शिक्षण निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, ऐसे खातों में छात्रवृत्ति की राशि न जोड़ा जाए। छात्रवृत्ति आवंटन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इसी कड़ी में उच्च शिक्षण निदेशालय ने शैक्षिक सत्र 2022-23 और 23-24 के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के लंबित मामलों में धनराशि जारी नहीं की है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, बिजली उपलब्धता बढ़ाएगी पंप स्टोरेज परियोजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं यानी PSP के तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र में कदम रखने का फैसला लिया है। ये परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहली दो ऐसी परियोजनाओं सिरमौर जिला की 1630 मेगावाट की रेणुकाजी पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिला के ब्यास बेसिन में 270 मेगावाट की थाना प्लोन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। हिमाचल में अब ग्राम सभाओं से होगा महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन। हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम सभाओं से इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि योजना का सत्यापन होगा। लाभार्थियों सहित योजना में शामिल होने के लिए जमा करवाए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। ग्राम सभा में पात्रता की जांच होगी, इसके आधार पर ही योजना के तहत किस्तें जारी होंगी। आवेदकों के फॉर्म पूर्व की तरह ही तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। इन कार्यालयों से ही जाँच के लिए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। योजना के तहत एक परिवार से एक ही महिला को 1500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। बीते वर्ष के दौरान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 2,284 लाख रुपए का योजना के तहत प्रावधान किया है। अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है। 2,384 आवेदन पात्रता पूरी नहीं होने के चलते रद्द किए गए। पात्रों को पैसा न मिले इसलिए जांच में समय लग रहा है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही कुल 2,45,881 महिलाओं को पहले से मिल रही 1,150 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये किया है। तो ये रहा आज दिन भर की प्रमुख खबरों का एनालिसिस। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।